हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए ऐसी दवा जो आपके पास या आपके घर में होनी चाहिए, जिससे बच्चे को उसी टाइम या उसी समय रिलीफ दे सकें और फिर आसानी से डॉक्टर को दिखा सकें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 5 या 6 दवा बताऊंगा जो आपको अपने पास रखनी है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गोला लर्निंग ड्रग। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। बच्चे के पहली समस्या होती है पेट दर्द की, जैसे कि खाना ना पचने की वजह से पेट में दर्द हो जाना, गैस बनने की वजह से पेट में दर्द हो जाना। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और अगर माँ बैंगन या बेसन या मूली या और भी जैसी कोई खाद्य पदार्थ खाती है तो उसकी वजह से भी बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है दोस्तों। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए आप बच्चे को कोलीमैक्स या कोलिकेड नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ड्रॉप फॉर्म में आपको या सिरप फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर बच्चे के डोजेस के बारे में बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 3 महीने की है तो 3 या 4 बूंद बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 4 से लेकर 12 महीने तक की है तो बच्चे को 5 बूंद या 10 बूंद तक आसानी से दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर की है तो पूरा 1 ड्रॉपर भर के या फिर 1 ml दे सकते हैं दोस्तों उसी टाइम। अगर दूसरे नंबर पे बात करें स्पोरोलैक पाउडर, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बैसिलस कंपोजिशन होता है, अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जब बच्चे को दस्त लग जाते हैं या फिर खाना ठीक से नहीं पचता या बार बार पोटी आती है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बच्चे को स्पोरोलैक पाउडर दिया जाता है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें, अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने की है तो आधा सैचेट सुबह आधा सैचेट शाम को दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 1 साल तक की है तो सुबह शाम 1-1 सैचेट दूध या पानी के साथ दे सकते हैं दोस्तों। बच्चे के दस्त को या फिर बार बार पोटी आने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और आप फिर उसको बाद में। अगर तीसरे नंबर की बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम है पैरासीटामोल, जो कि ड्रॉप फॉर्म में या सिरप फॉर्म में बच्चे के लिए अवेलेबल है दोस्तों। अगर बच्चे का टेम्परेचर हाई हो या उसको फीवर हो या फिर उसके बॉडी में पेन हो तब पीसीएम सिरप या ड्रॉप दे सकते हैं। अगर बच्चे को चोट लग जाए और वहां पर उसको दर्द हो तो तब भी उसको ठीक करने के लिए पीसीएम सिरप या ड्रॉप दे सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ इसकी फेमस ब्रांड नेम बताऊं तो क्रोसिन या फिर डोलो या फिर P250 या T98 ड्रॉप या फिर कालपोल ड्रॉप या कालपोल सिरप, जो आपको फार्मेसी स्टोर पर मिल जाएंगी दोस्तों। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज दी जाती है, 15 ml पर kg अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है। अगर बच्चे का वेट 2 किलो है तो उसको 30 मिलीग्राम डोज दी जाएगी और उसका फीवर ठीक किया जा सकता है और आप उसको बाद में। अगर चौथे नंबर पर बात करें तो सिट्रिजिन ड्रॉप या सिरप, जो कि एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। अगर इसकी ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो जे टैग, जो कि डॉक्टर रेड्डी की, और सेटजिन, जो आपको आसानी से फार्मेसी स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो रेडनेस हो जाना या फिर खांसी या फिर जुखाम या छींके आना, तब सिट्रिजिन सिरप या ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज दी जाती है। अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसकी डोज 2.5 mg दी जाती है दोस्तों। फिर आप डॉक्टर को बाद में बच्चे को अपने दिखा सकते हैं। डोम पेरिडोन ड्रॉप, जो कि डोम स्टाल नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों। इसका यूज इसके बारे में बात करें तो बच्चे को उल्टी आती हो या फिर उबकाई आ रही हो या पिया हुआ दूध साथ ही मुंह में आ जाता हो तब उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने की है तब उसको 5 या 6 बूंद दी जाती हैं। अगर बच्चे की उम्र 1 साल की है तो 1 ड्रॉप पर पूरा भरकर या फिर 1 ml उसे दी जाती है और उसको उल्टी को आसानी से रोक सकते हैं और बाद में आप फिर उसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। छठे नंबर पर है नेजल ड्रॉप, जो कि सेलाइन फॉर्म है और आपको मार्केट में नेजो क्लियर नाम से मिल जाएगी दोस्तों। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो बच्चे की नाक बंद हो जाती है या फिर बार बार छींकें आती हैं तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए नेजो क्लियर ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो सुबह शाम
दोनों नाक में दो दो बूंद डाल सकते हैं, जिससे बच्चे की नाक खुल जाएगी और नाक बंद हो जाने की वजह से बच्चा पूरी रात भी ठीक से नहीं सो पाता है, जिसकी वजह से वो पूरी रात परेशान रहता है। तो उस कंडीशन को नेजो क्लियर की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।